हेलो एवरीवन, आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आरपीटी कॉलेज कैंपस करनाल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज फेज रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल। फेज रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल। तो इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव फाइंड टू रिलेशनशिप, इफ यू नो कि हमने दो रिलेशन फाइंड किए थे। फर्स्ट वन इज आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी एंड सेकेंड वन इज वी सी बी इज इक्वल टू ई सी बी माइनस आई सी आर एल। तो नाउ वी विल यूज दीज टू रिलेशनशिप इन हेयर। ठीक है, तो वी नो डेट वी सी बी इज इक्वल टू ई सी बी माइनस आई सी आर एल हम निकाल के आए थे पीछे। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट साइनोसोइडल सिग्नल फॉरवर्ड बायस ऑफ एन टाइप एमिटर डिक्रीज। जो फॉरवर्ड बायस होएगी एन टाइप एमिटर की, वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दिस डिक्रीज द एमिटर करंट, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी किसको, एमिटर करंट को, एंड एन द कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट को भी डिक्रीज करेगी। बेस करंट इज़ वेरी स्मॉल, बेस करंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इन कॉन्सिक्वेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल डिक्रीज। वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस, वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन क्या थी, वी सी बी इज इक्वल टू ई सी बी माइनस आई सी आर एल, इट फॉलोज डैट वी सी बी इनक्रीज अबोव द नॉर्मल वैल्यू। वी सी बी क्या कर जाएगा, यहाँ से हमारा इंक्रीज कर जाएगा नॉर्मल वैल्यू से ऊपर। ठीक है, सो द आउटपुट सिग्नल इज पॉजिटिव, जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर पॉजिटिव इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव इनपुट सिग्नल के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा वो देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट साइनोसोइडल सिग्नल फॉरवर्ड बायस ऑफ एन टाइप एमिटर इंक्रीज। जो फॉरवर्ड बायस होगी किसकी, एन टाइप एमिटर की, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दिस इंक्रीजेस द एमिटर करंट एंड हेंस द कलेक्टर करंट, ये क्या करेगा, एमिटर करंट को भी इंक्रीज कर देगा और कलेक्टर करंट को भी इंक्रीज कर देगा। बेस करंट इज वेरी स्मॉल, बेस करंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इन कॉन्सिक्वेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल इंक्रीजेस। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू इट फॉलोज डैट वी सी बी डिक्रीजेज, जो वी सी बी होगी है वो क्या होगी, कम होगी, बिलो द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, तो सो द आउटपुट सिग्नल इज नेगेटिव फॉर नेगेटिव इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट आर इन सेम फेज, दैट वी फाइंड द कंक्लूजन दैट इज इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर इन सेम फेज। दिस इज आवर फेज रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।